गांव का नाम बख्शीगंज। बहुत दिनों पहले उस गांव में भूषण नाम का एक नेक ग्वाला था। वो शुद्ध दूध बेचा करता था, इसीलिए सभी उससे लाइन लगाकर दूध खरीदा करते थे। उस गांव में एक और ग्वाला था, उसका नाम था मदन। वो भूषण से बहुत जलता था। वो बस यही सोचता था कि कैसे भूषण को परेशान किया जाए, पर मदन सफल नहीं हो पाता था। मदन भूषण को बेचते हुए देखता था। भैया भूषण, मुझे पाव लीटर दूध देना। तो ये लीजिए दीदी, ये लीजिए। भूषण, ओ भूषण बेटा, मुझे भी एक पाव दूध दे दो तो। हैं? अरे ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं पर फिर भी मुझसे दूध खरीदने नहीं आ रहे हैं, अजीब बात है। ले लो गाय का देसी दूध, मैं दूध बेचता हूँ, पानी नहीं। दाम कम मात्रा ज्यादा, दूध पियोगे तो मिलेगी ताकत। एक बार खरीदिए, ठगेंगे नहीं। ये क्या बात हुई, एक भी आदमी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। लगता है सबके सब बहरे हो गए हैं। कोई ना कोई बात तो जरूर है भाई। ऐसा करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, भूषण के तरफ ही जाकर खड़ा होता हूँ, वहीं पर ज्यादा लोग हैं। अरे क्या हुआ मदन भाई, तुम उधर से इधर क्यों आ गए? असल में उधर लोग नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो लोग भीड़ लगाकर दूध ले रहे हैं, इसलिए सोचा जरूर इधर ही कुछ शुभ है। अरे नहीं नहीं मदन भाई, वो सब शुभ अशुभ कुछ नहीं है। असल में बात ये है कि लोग पैसा देकर अच्छा सामान ही खरीदेंगे, तुम भी अच्छा दूध दो तो देखना लोग तुम्हारे पास भी भीड़ लगाकर दूध खरीदेंगे। हाँ भाई, आपको कितना दूध दूँ? ऐसा करो, आधा लीटर दूध दे दो। देखो मदन भाई, मैं हमेशा सबको सही चीज ही बेचता हूँ। हाँ इससे मुझे थोड़ा कम लाभ होता है, लेकिन ज्यादा लाभ के चक्कर में कहीं कुछ भी न मिले तो फिर। बड़ा आया, बहुत ज्ञान दे रहा है। रुको, अभी तुम्हारा ज्ञान देना निकालता हूँ। मदन भाई तुम यहीं दूध बेचो और मैं तुम्हारी जगह पे जाकर दूध बेचता हूँ, ठीक है? जैसी तुम्हारी मर्जी, फिर मत कहना कि मदन ने आकर मेरे ग्राहक छीन लिए। नहीं मदन भाई नहीं, कोई भी किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। छीन सकता है क्या? तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी किसी को बदनाम नहीं करता हूँ भाई, किसी को भी नहीं। आपको दूध चाहिए ना, बताइए कितना। आप कैसे आदमी है महाराज, दूध का बर्तन हाथों में लेकर क्या मैं तेल लूंगा? बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, आप इधर उधर देख रहे हैं ना, और मैं यहाँ दूध लेकर आप ही के लिए तो बैठा हूँ, इसलिए पूछा, और कुछ नहीं। पर तुम कौन हो? वो दूसरा ग्वाला कहाँ है? उसके अलावा मैं किसी से भी दूध नहीं लेता हूँ। ओ हाँ याद आया, भूषण ग्वाला, वो कहाँ है, आपने कहीं उसे देखा है? रोज तो पानी में तैरते हो ना, आज जरा दूध में तैर कर देखो। जा 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 जा। अरे ये कौन है, भाग क्यों रहा है? अरे ये तो मदन चाचा हैं। सुनो, मुझे आधा लीटर दूध तो देना भूषण। अरे अरे
अरे अरे ये क्या क्या है ये? अरे ये क्या भूषण? हाँ अरे भाई ये सब कैसे हो गया? हाँ ची ची ची, तुम दूध के साथ क्या मेंढक भी फ्री में दे रहे हो क्या? ची ची ची, तुम्हारे पास से मैं दूध नहीं लूंगी भूषण, नहीं लूंगी दूध। आइए आइए आइए, मेरे पास सिर्फ शुद्ध दूध है, मेंढक नहीं। बिना मेंढक वाला दूध मिलेगा मेरे पास? आइए चले आइए, शुद्ध दूध है, बिना मेंढक का दूध। चले आइए चले आइए आइए। भूषण ने दूध का कैन अच्छे से बंद किया, उसके बाद चारों तरफ अच्छे से देखा, उसके बाद तौलिया लेकर नहाने चला गया। भूषण के चले जाने के बाद मदन गौशाला में आया। आज मदन के पास भी बहुत भीड़ है। हाँ भाई दूध दे दो, आधा लीटर दूध चाहिए, पर देखना भाई आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, पता नहीं कल कहाँ से वो मेंढक चला आया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, दिख नहीं रहा है क्या? मेरे दूध में चूहा है। हाँ, लेकिन आया कहाँ से? ऊपर वाले ने मेरे बर्तन में डाल दिया क्या? बड़ा आया, ये अच्छा है, कल मेंढक आज चूहा। क्या भाई छोटा सा चिड़िया घर खोल कर बैठे हो क्या? भूषण के सारे ग्राहक मदन से दूध खरीदने लगे, सब ने भूषण को ठग और झूठा समझना शुरू कर दिया। और इधर मदन तरक्की कर रहा था, ये सब देखकर भूषण को बहुत ताज्जुब हुआ। भूषण मन ही मन सोचने लगा, ये मदन का ही काम है, लेकिन साबित नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सच्चा हूं तो एक दिन सच सबको जरूर पता चल जाएगा, जरूर पता चल जाएगा। मदन इसी मौके की तलाश में था, उसने दूध में पानी मिलाकर गांव के लोगों को ठगना शुरू कर दिया। कहाँ हो? दूध में दो बाल्टी पानी अच्छे से मिलाओ, मुझे बाजार जाना है समझे, आज तुम्हें अकेले ही राज करूंगा। अच्छा सुनो, आज अगर सारा दूध बिक गया ना तो कल मैं दूध में और पानी मिलाऊंगा। हाँ पर पानी मिलाने के चक्कर में पकड़ में मत आ जाइएगा। तुमने क्या मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? अरे मैं ऐसे मिलाऊंगा ना कि दूध में पानी है या पानी में दूध कोई समझ ही नहीं पाएगा, और मुझे लाभ ही लाभ। अच्छा जी, तो फिर क्या नकुल सोनार से कहकर आप मेरे लिए नया सीता हार बनवा देंगे? बताइए ना। बनवा दूंगा, तुम थोड़ा सबर रखो, समझ गई? मदन की पत्नी ने अच्छे से दूध के कैन में पानी मिलाया, उसके बाद मदन बाजार की तरफ जाने लगा दूध बेचने के लिए। रास्ते में उसकी भेंट होती है भूषण से। मदन भूषण से पूछता है, अरे भूषण बाजार नहीं जाओगे? नहीं भाई नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। मैं उसी दिन बाजार जाऊंगा जिस दिन इस गांव के लोग फिर से मुझे बुलाकर उस बाजार में बैठाएंगे। भूषण दूसरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचता था। धूप से गर्मी में उसे बहुत कष्ट होता था, पर इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं था। वो गांव के रास्ते पर आवाज लगाता जाता था, दूध ले लो दूध, अच्छा ताजा दूध है भाई, दूध चाहिए दूध, दूध चाहिए क्या, ले लो दूध दूध शुद्ध दूध, दूध चाहिए किसी को दूध, अच्छा शुद्ध दूध है भाई, दूध चाहिए क्या, दूध दूध। रात को मदन लाभ के पैसों का हिसाब कर रहा था और मदन की पत्नी लालची नजरों से देख रही थी। मदन हंसते हंसते कहता है, सुनो रेखा, आज सारे खर्चे को छोड़कर लाभ हुआ है 500 रुपए। कल और ज्यादा करना पड़ेगा,
आज 5-6 लोगों को दूध नहीं दे पाया, पता है? तो फिर अब क्या करेंगे हम? बहुत ही आसान है, बहुत आसान। और 4-5 लीटर पानी ज्यादा मिलाऊंगा बस। अच्छा जी, नकुल सुनार से कह तो दिया है ना? कह दूंगा जी, कह दूंगा, महीने के आखिर में ही कहूंगा। काम काज को थोड़ा थोड़ा और जमने तो दो, उसके बाद। मुझे आधा लीटर दूध तो देना। ये क्या है मदन भैया, ये दूध तो एकदम पानी की तरह पतला पतला लग रहा है। पतला कहाँ, नहीं तो पतला मतलब बहुत पतला। हो सकता है, हो सकता है कल गाय ने एक गमला पानी ज्यादा पी लिया था, हो सकता है इसलिए आज गाय ने ऐसा दूध दिया है। हाँ हो सकता है। पानी पीने से दूध पतला होता है क्या मदन भैया, ये तो मैं नया ही सुन रही हूँ। गाय के पानी पीने से दूध पतला होता है? ये क्या बात हुई। ये मामला समझना पड़ेगा। क्या हुआ भूषण काका, अभी बाजार में नहीं बैठते हैं क्या? नहीं रे बच्चू, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं पाया। देखो साफ शुद्ध दूध मैंने बर्तन में भरा, जब दिया तो देखा कि दूध के साथ एक जिंदा मेंढक है। दूध के साथ मेंढक? दूसरे दिन फिर से एक मरा हुआ चूहा, वो भी दूध के साथ। भूषण काका मुझे जरा शक हो रहा है, बताऊं? बताओ बताओ बताओ। नहीं अभी नहीं बताऊंगा, पहले सबूत जुटा लूं उसके बाद बताऊंगा। सच्चाई की जीत होती है और बुरे लोगों की होती है हार। ये लीजिए 4, मतलब 4 बाल्टी पानी, और कितनी बाल्टी दूध देंगे? अरे सुनो, आज बहुत लोग होंगे समझी, सबको दूध देना होगा ना, गाय तो बस एक ही है, आज पानी में दूध मिलाता हूँ। कहूँगा कहूँगा कि गाय ने आज 2 गमला पानी ज्यादा पी लिया है। अच्छा रुको रुको बच्चू, तुम्हारा दूध में पानी नहीं नहीं, पानी में दूध मिलाने का मजा चखाता हूँ। कोई है? अरे सब कहाँ हो, देखो देखो मदन काका क्या कर रहे हैं, मदन काका क्या कर रहे हैं, इतने दिनों तक तुम लोगों ने पानी लेकर दूध का भाव दिया है, देखो देखो मदन काका क्या कर रहे हैं। मदन और मदन की पत्नी सिर झुकाकर खड़े हैं, जिन लोगों ने बाजार से दूध खरीदा था वो भी खड़े हैं। मदन काका ने भूषण काका के दूध में मेंढक, मरा हुआ चूहा ये सब डाला था। अरे ये कौन है, भाग क्यों रहा है? अरे ये तो मदन काका है। छे मदन, छे दूध में मिलावट करता है, सुनो सुनो तुम्हारी सजा है, तुम्हारा सिर मुंडवा कर गधे के पीठ पर बिठा कर सिर से पांव तक दूध मिला हुए पानी में नहला कर पूरे गांव में घुमाऊंगा, और सीने पर एक कागज चिपकाया जाएगा, उस पर लिखा होगा मैं एक चोर हूँ, और भूषण को खबर भिजवाओ, कल से वो बाजार में दूध बेचने के लिए आ सकता है। गधे के पीठ पर मदन काका शर्म से है सर नीचा, गधे के पीठ पर मदन काका शर्म से है सर नीचा। डिक्की चिक्की डिक्की चिक्की, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, बाजार में आप ही फिर से आओ, आप ही आओ। नेक भूषण ऊपर देखने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, गांव के लोगों की नजरों में वो अब एक ठग मिथ्यावादी नहीं रहा। गांव के सब लोगों ने भूषण से माफी मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। अब भूषण के चेहरे पर मुस्कान छा गई, जो सच्चा है उसकी विजय जरूर होगी।